आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे। एक्सेल जो है काफ़ी यूज़ हो रहा है ऑफिस वगैरह में, क्योंकि हम इसमें कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सेल के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ। जो सबसे ऊपर है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। आप जो भी फाइल का नाम रखते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं इस जगह पे, ये कहलाता है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई टूल्स रख सकते हैं या निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे इस पे टिक लगा देता हूँ तो हमारे पास ये प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ जाता है, और अगर मैं टिक हटा देता हूँ तो ये वापस चला जाता है। इसके बाद आता हूँ मैं नेक्स्ट बार पर, ये कहलाता है मेन्यू टूल बार। अभी होम पे क्लिक हुआ हुआ है तो होम का मेन्यू खुला है। अगर मैं इंसर्ट पे करता हूँ तो इंसर्ट का मेन्यू खुल जाएगा। फिर पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा है, तो इनमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो हम देखेंगे वक्त के साथ साथ। इसी तरीके से अगर मैं होम पे रखता हूँ तो अब ये होम के टूल्स आ रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का, क्लिप बोर्ड में आ रहा है कॉपी कट पेस्ट। इसी तरह फॉन्ट है, उसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और फिर मुख्तलिफ और भी आप देख सकते हैं। अगर किसी रीज़न से डबल क्लिक आप मेन्यू बार पे कर देते हैं तो ये मिनिमाइज़ हो जाता है, और जब ये मिनिमाइज़ हो जाता है तो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करें और आप इसको कोलैप्स द रिबन से टिक हटा दें तो ये वापस आ जाएगा। इसके बाद आता हूँ मैं इस जगह पे, ये फॉर्मूला बार कहलाती है। इससे हम एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये भी आगे जाके यूज़ होगी। अब आते हैं हम इस जगह पर, ये हमारी शीट है, हम शीट वन पे हैं। एक्सेल में बुक बनती है और बुक में शीट्स होती है। हमें तीन शीट्स दी जाती है काम करने के लिए। अगर हम मज़ीद लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से न्यू शीट करके और भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि ये आपकी शीट कितनी है तो ये कॉलम्स कहलाते हैं। ये एफ है, ये जी कॉलम है, इस तरह ये आपको यू तक दिख रहा है। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो ये जेड के बाद जो है और कंटिन्यू हो जाता है, लाइक डबल ए, ए बी। इसकी भी आगे तक ए से जेड चलेगा, फिर बी आएगा, तो इसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर आप लिमिट देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाइएगा तो आप मैक्सिमम देख सकते हैं। एक्स एफ डी होता है, ये शॉर्ट की मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप वापस ए पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आप वापस ए पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हम रॉस देख सकते हैं, आपको 23 तक नज़र आ रही है, पर अगर मैं नीचे करता हूँ तो और आने लगती है। इसकी भी सारी एक लिमिट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल और डाउन एरो दबाएंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी, जो कि तकरीबन 10,48,576 रॉज है। इतना सादा काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर काम हो सकता है। और ये सब शीट वन में है, अगर आप चाहें तो मज़ीद शीट्स भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल अप दबाते हैं तो आप दोबारा से वन रो पर आ जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि पेज का एक साइज़ है, अगर आप पेज का साइज़ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पेज लेआउट में आना होगा, फिर हमें साइज़ पे आना होगा, उसके बाद हमें A4 करना होगा ताकि हमारा पेपर जो है A4 साइज़ के लिहाज से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन आ रही है, यानी कि मैं I तक काम कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं अगर लंबाई में देखता हूँ तो 50 तक जा सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ तो ये सेकेंड पेज होता है, और अगर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ तो ये सेकंड होता है, पर अगर इसके बाद भी मैं यहाँ करूँ तो सेकंड यही होता है, क्योंकि पहले ये फर्स्ट पेज होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा, तो ये डाउन एंड देन कर्व होता है। तो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम सेल के बारे में मालूम होना चाहिए, सेल क्या होता है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये E5 सेल कहलाएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो अभी कौन सा सेल है? G11। अब कौन सा सेल है? C7। इसी तरीके से हम काम A1 से शुरू करेंगे। हमें कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, सब कॉलम्स में काम होगा। रॉ अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हम एक एंटर करके छोड़ सकते हैं। अभी कर्सर नहीं आ रहा, जैसे ही मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं तो यहां पे कर्सर आना शुरू हो जाता है। लाइक मैं एक नाम लिखता हूं, मैंने जैसे ही लिखा कर्सर आ गया, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ सपोज़, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी टूल बार है उस पर से टूल्स इनविजिबल हो गए, यानी अभी यूज़ नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अभी आप डेटा को एंटर कर रहे हैं, अभी आपका डेटा फीड नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको फीड करना चाहते हैं या तो आप एंटर यूज़ करें या फिर आप एरो कीज़ यूज़ करें। राइट जाना है तो राइट एरो, लेफ्ट है तो लेफ्ट एरो, अप है तो अप एरो, डाउन है तो डाउन एरो। तो इस तरह करके हम इसको मूव कर सकते हैं। अब सपोज़ कि मैं B1 पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक नाम लिखता हूँ सनी कंप्यूटर सेंटर, और वो B से D तक चला गया है। तो अगर किसी रीज़न से वो आगे जा रहे हैं तो मसला कोई नहीं है, जब हम एंटर करेंगे ये आ जाएगा।
असल में ये ग्रिड लाइंस होती है, तो ये ग्रिड लाइंस यहाँ तो नज़र आ रही है, पर अगर हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये वहाँ पे नहीं आ रही होती। तो फिलहाल अगर ये आ भी रही है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं फुल नेम लिखना चाहूँ तो मुझे अपने नाम पे क्लिक करके फंक्शन की यूज़ करनी है F2। F2 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास कर्सर नाम के साथ आ जाता है और हम वहाँ पे आके आगे नाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज़ कि मैंने अपना नाम लिखा तो मेरा नाम आधा गायब हो गया। अब इस नाम को ठीक करने के लिए मुझे ए और बी के ऊपर आना होगा और इधर आके लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग करना होगा सीधे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड पे उतना करना होगा जितने पे हमारा नाम विजिबल हो जाए ताकि कुछ कटे नहीं। अगर मैं C1 पे नहीं लिखना चाहता तो मुझे B को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर C2 पे अभी लिखता हूँ तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह आ रहा होगा और ये अपनी जगह आ रहा होगा। मैंने एक नाम लिखा सपोज़, तो वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं अगर हमें कोई काम करना हो। एक्सेल क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सेल में हम कैलकुलेशन बेस्ड काम करते हैं, एंटी बेस्ड काम करते हैं, मैंने पहले बताया। आगे जाके फॉर्मूलाज भी आएंगे इसके अंदर, लेकिन कोई भी जो डेटा है वो बगैर किसी क्या कहते हैं, बगैर किसी क्वेश्चन के तो होता नहीं है। तो हमें उसके लिए पहले कुछ टाइप करना होगा। टाइप करने के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ, हम इस डॉटेड लाइन तक जा सकते हैं, हमें इससे आगे नहीं जाना। ये हमारे पास यानी कि एंड है। अगर हम अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ टाइप करें, सपोज़ के अगर सबसे पहले तो हमने पेज लेआउट में जाके साइज़ में आके A4 कर लिया, फिर हम A1 पे आए और हमने यहाँ पे आके कुछ लिखना शुरू करा। सपोज़ मैं एक डेटा बना रहा हूँ, पूरा नहीं बनाऊँगा लेकिन मैंने बना के रखा हुआ है, पर मैं थोड़ा सा आपको टाइप करके दिखाता हूँ। सपोज़ कि अगर मैं ये लिख रहा था और अगर किसी रीज़न से मेरे पास एंटर हो जाता है तो मैं इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं दोबारा से वहीं आऊँगा जहाँ मैंने लिखा था। मैं यहाँ पर नहीं देख सकता क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर फंक्शन बार में कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आगे मूव होता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अब लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने A1 पे किया था, मैं वहीं आके F2 करूँगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं आगे लिखता हूँ, अगर किसी रीज़न से फिर एंटर हो जाता है तो फिर मैं दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करूँगा। नहीं नज़र आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अब लिखा नज़र आ रहा है, क्या देख सकते हैं। फिर मैं F2 दोबारा से करूँगा और मैं इसको दोबारा से इस तरीके से कंटिन्यू करूँगा। खैर मैं इस लाइन तक जा सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जाना चाहूँगा। जब ये लाइन आ जाएगी तो फिर मैं इसको एंटर करके न्यू लाइन पे आ जाऊँगा। अगर मेरा एक आर्ड वर्ड आ रहा होता तो मैं इस लेटर तक आ सकता था, पर बेहतर है कि लाइन आते ही मैं नीचे आ जाऊँ। तो मैं आगे का जो है वो कंटिन्यू नीचे कर देता हूँ। एंटर करके मैंने एक लाइन ली और अगली लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे आके मैं अभी तो फिलहाल हेडिंग को ए में लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको सेंटर करके देखेंगे कि कैसे होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। एंटर करके हमने दूसरी हेडिंग ले ली है। फिर हम आते हैं, फिर हमने कुछ लिखा ए में, देन हम बी में आते हैं, बी की चीज़ बी में लिख ली, फिर हम आते हैं सी में, फिर हम आते हैं डी में। तो पहले मैंने एक हेडिंग्स बनाई है। अब मैं पहले सबसे पहले जो बड़ा काम है, जैसे कि पर्टिकुलर में डेटा है तो मैं पहले उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, के बाद अब सपोज़ के मैं अभी खैर बाद में दिखाता हूँ कि कितना काम था। फिलहाल मैं इसको बी को बड़ा कर रहा हूँ जितनी मेरी ज़रूरत है और हमें डेबिट मार के लिखता हूँ। अमाउंट के अंदर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, कॉमा ही का टूल हम बाद में यूज़ करके कॉमा लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं कॉमा नहीं दे रहा, सिर्फ टाइप कर रहा हूँ।
खैर मैं प्रोटोटाइप नहीं करूँगा, मैंने इसको सेव किया हुआ है तो मैं आपको शीट पर आके दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये एक डेटा टाइप करके रखा है अपने पास। अब इसके अंदर हम इसको प्रॉपर सेट कैसे करते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अभी आप इतनी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये मैंने शीट 4 पर काम किया था। तो आप इस तरह का कोई भी छोटा सा डेटा उठा के बनाएं, जैसे हम इसको बाद में पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से सेट होगा। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तो मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियाँ हो रही हैं, तो आप अगर चाहे तो घर बैठ के एक्सेल या वर्ड, एमएस ऑफिस, ये मैं इसमें वीडियोस डालता रहूँगा, तो आप इसको घर में बैठ के भी सीख सकते हैं ताकि आपका टाइम सही यूटिलाइज हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।